धार जिले के मनावर में भारतीय किसान संघ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनावर द्वारा किसानों को उनकी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की मांग में भारतीय किसान संघ ने पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी को आह्वान किया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार की कई योजनाएं चल रही है, परंतु मुख्य विषय जो है कि किसानों में अशांति का कारण बना हुआ है वह है किसानों को उनकी उपज का लागत आधारित लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। न्यूनतम समर्थन मूल्य सही होने के बावजूद मंडियों में किसानों की उपज उससे कम मूल्य में बिकती है। उत्पादों के मूल्यों को हमेशा नियंत्रण रखा गया, इससे स्वतंत्र बाजार व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी और अब कृषि आदान तो महंगे होते जा रहे हैं, परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत पीछे छूट गया है। किसानों को आदान पूर्ति करता उसकी उपज का व्यवहार करने वाले तथा उद्योग चलाने वाले सभी को फल फूल रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, लेकिन स्वयं किसान कर्जदार व गरीब से और गरीब होता जा रहा है। देश के सभी कृषि वैज्ञानिक संस्थान केवल उत्पादन बनाने में लगे हैं। अब समय आ गया है कि किसान की आय बढ़ाने या लागत घटाने पर भी प्राथमिकता से कार्य किया जाना चाहिए। बाजार भाव एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी प्रति क्विंटल एक का अंतर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का केवल एक दो प्रांतों को ही लाभ मिल पाता और शेष देश भर के किसान वंचित रह जाते हैं। ऐसे में कोई तो समाधान जरूरी ही हो ही जाता है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाजार लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना होगा। एक बार घोषित मूल्य के बाद उनके आदानों में होने वाली महंगाई का भुगतान के समय समायोजन करते हुए महंगाई के अनुपात में वास्तविक मूल्य चुकाना होगा। घोषित मूल्य पर किसान की उपज का बेचना सुनिश्चित हो, फिर चाहे वह मंडी में बेचे, चाहे मंडी के बाहर, या फिर चाहे सरकार खरीदे, लेकिन घोषित मूल्य से कम विक्रय को अपराध मानना होगा। ज्ञापन स्वराज्य अधिकारी RS सोलंकी व थाना प्रभारी ब्रजेश मालवी द्वारा कृषि उपज मंडी में सभा स्थान पर लिया गया। इस अवसर पर उपस्थित किसान संरक्षक गोपाल बर्फा, जिला अध्यक्ष नरेंद्र कामदार, जिला मंत्री मनसाराम पाटीदार आदि किसान उपस्थित थे। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। बताइए, नरेंद्र कामदार, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष, जिला मनावर। आज आपने किस विषय में ज्ञापन दिया? हमने आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, इसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है और इसमें हमारी दूसरी और भी मांगे हैं। इसमें कृषि उत्पाद के जो क्रय विक्रय होता है उसमें लाभकारी मूल्य के आधार पर मूल्य विक्रय की योजना बने, कानून बने और वह कठोर कानून बने। अगर कोई समर्थन मूल्य जो घोषित होता है सरकार द्वारा, लाभकारी समर्थन मूल्य घोषित होता है, उस पर क्रय विक्रय नहीं होता है तो वह अपराध माना जाए, इस प्रकार का कानून बने। और ये कृषि कानून जो बने हैं उसमें समर्थन मूल्य के आधार पे जो आज हमें दिया जा रहा है उससे किसान संतुष्ट नहीं है। हमें लाभकारी मूल्य चाहिए लागत के आधार पर, और अगर ये हमें नहीं मिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो आज हमने ज्ञापन दिया है उसमें 10 दिन के का समय दिया है और उनसे मांग की है कि हमारे इस ज्ञापन को पढ़ करके इसके ऊपर विचार किया जाए, और अगर विचार नहीं होता है, हमें आशा है पूरी कि इसके ऊपर विचार होगा, और विचार नहीं होता है तो राष्ट्रीय आह्वान जो भी करेगा और उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो किसान खेती छोड़ करके रोड पर आएगा, और इसके लिए किसानों को मजबूर नहीं किया जाए, यही आशा है माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं कृषि मंत्री महोदय से। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।